तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होगा अगर हम मॉस्किटो कॉइल खा लें, मतलब कि जो मॉर्टिन हो गया, इन सब चीज़ों को हम खा लें तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में आपका पूरा डाउट ये क्लियर कर दूंगा कि मतलब बहुत सारे लोग के मन में सवाल आ रहे थे कि मर जाते हैं लोग मॉस्किटो कॉइल खा लेंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐरा गहरा बहरा। तो दोस्तों, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बात करते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर, गुजारा में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि मॉस्किटो कॉइल आखिर कितना टॉक्सिक है, क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मॉर्टिन हो गया या फिर कोई सा मॉस्किटो कॉइल हो गया, वो सर्टिफाइड होते हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, मतलब कि ये उतना ही टॉक्सिक है। अगर समझ लो आप ज़्यादा कैफीन में ले लेते हो, तो कैफीन जो हमारे कॉफ़ी या फिर चाय में होता है, एक ड्रग होता है, वो उतना ज़्यादा ही, मतलब जो मॉस्किटो कॉइल है उतना ज़्यादा टॉक्सिक है अगर आप ज़्यादा कैफीन को ले लें या फिर थोड़ा सा मॉस्किटो कॉइल को खा लें, दोनों एक ही बराबर है। अब देखो होता क्या है ना कि अगर हम मॉस्किटो कॉइल खा लेते हैं तो हम नहीं मरेंगे, मतलब 2% चांसेस है कि हम मर सकते हैं, बाकी 98% चांसेस है कि हम बच ही जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो भाई मॉस्किटो कॉइल बस एक मच्छर को मारने के लिए बना हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। मॉस्किटो कॉइल बस मच्छर को ही मारने के लिए बना हुआ है। मॉस्किटो कॉइल अगर हम खा लेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हम उल्टी कर देंगे तो जो पॉइजन होगा निकल जाएगा। तो बात करते हैं कि फिर लोग क्यों बोलते हैं मॉस्किटो कॉइल खाने से। अगर देखो दोस्तों, अगर मॉस्किटो कॉइल हम ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं गलती से, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे लोगों के हाथ में मॉस्किटो कॉइल लग जाता है, उसके बाद खाना खा लेते हैं थोड़ा मोटा चल जाता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो कभी अपने आप ही निकल जाता है, कभी अगर उल्टी से हो जाता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप खा लेते हो ना मॉस्किटो कॉइल, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, या फिर बहुत सारे लोग उल्टी की दवा खा लेते हैं, उल्टी की दवा भी आती है तो उसे खा लेना, जिससे पॉइजन आपका निकल जाता है उल्टी से, इतनी बार तो उल्टी से ही हमारा ये पॉइजन जो होता है वो निकल जाता है, मॉस्किटो कॉइल का असर जो है चले जाता है। तो आप बेसिकली करना क्या, आपको कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, वैसे बच ही जाओगे ज़्यादा चांसेस, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मेन बात है दिमाग है यार, दिमाग ना बहुत ऐसी चीज़ है ना कि बहुत चीज़ें दिमाग से ठीक हो जाती है, बस सोचने से बहुत चीज़ ठीक हो जाती है, कॉन्फिडेंट माइंड से, ठीक है ना दोस्तों। कॉन्फिडेंट माइंड प्लस कंस्ट्रक्टिव माइंड, सब चीज़ें सॉल्यूशन है, ठीक है ना दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बहुत कुछ जाना कि मतलब मॉस्किटो कॉइल खाने ज़रूरी नहीं है कि मरी जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। मॉस्किटो कॉइल से ऐसे कोई मरने वाली बात नहीं, बस आपको मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना दोस्तों। तो बस अगर किस्मत में नहीं लिखा हो, बस किस्मत विस्मत में मैं बिलीव नहीं रखता, मतलब फिर भी बोल रहा हूँ, तो मरना है तो 2% चांसेस में, 2% चांसेस में मर सकते हो। वैसे बहुत सारे लोगों ने खाया है, मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने खा रखा है, कुछ नहीं होता उससे ज़्यादा, उल्टी अपने आप हो जाती है अगर नहीं होती है। हाँ दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आप मॉस्किटो कॉइल खा लेते हो पता है या फिर किसी ने खाया है, तो ज़्यादा पानी मत पिलाना। अगर आप ज़्यादा पानी पिला देते हो ना, तो पॉइजन जो होता है पूरे शरीर में फैल जाता है हमारे, ठीक है ना दोस्तों। पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है, आप उल्टी की दवा जो होती है उसे खिला देना है, या फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, सबसे पहले माइंड से डर हटाओ, क्योंकि माइंड जो माइंड सेट जैसा होगा उस तरीके से ही आपका रिजल्ट भी आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ गुड माइंड सेट, एंड और दोस्तों बस गुड माइंड सेट के साथ कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। मतलब कि आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाना जरूरी है, आपको उल्टी उल्टी की दवा देगा इससे पॉइजन आपका निकल जाएगा, और पानी वानी बहुत कम पीना है, ठीक है ना दोस्तों। बस दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।